सतना में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित नव निर्वाचित महापौर योगेश ताम्रकार एवं सभी पार्षद गणों का सम्मान समारोह कार्यक्रम श्री साइन गार्डन में किया गया आयोजित। भाजपा युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष सौभाग्य केसरी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने नव निर्वाचित महापौर एवं सभी पार्षदों सहित मुख्य अतिथियों का स्वागत बंदन अभिनंदन कर सम्मान किया। पीड़िता अंतरा बोस पुत्र तिलक बोस, इनका प्लाट और जमीन आगरा से आए हुए एक ओमकार व्यक्ति ने हड़प लिया है। मकान पीड़िता के पति का स्वर्गवास हो चुका है, लड़का पूरी तरह अस्वस्थ है। पीड़िता का कहना है कि हर थाने में इनकी रिपोर्ट लिखवाई गई है, पुलिस द्वारा इस मामले को लेकर कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस बंगाली परिवार को मैहर में बैठे अधिकारी और सरकार से है न्याय की उम्मीद। शिकायत के बाद पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की, जिससे आरोपियों के हौसले बुलंद हो गए, जिससे पीड़िता और उसके पुत्र को जान से मारने की दी जा रही है धमकी। जबरदस्ती जमीन और प्लाट हथियाने का है मामला। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूछता है भारत, मैं दिखा रहा हूँ मुख्य खबर। कारण यह है कि किसी भी गरीब की जमीन में कोई भी मकान में कोई भी आके कब्जा कर सकता है और कब्जा करके रह रहा है। पता चला है यूपी से कानपुर से आके कोई इनका मकान कब्जा कर लिया है, इनकी जमीन हड़प लिया है। ना उसके पास कोई रिकॉर्ड है, ना डॉक्यूमेंट्स है। क्या नाम है तुम्हारा? ये किसका प्लाट है और किसका मकान है? ये मेरी माता है। आपके माता पिता? आप इनकी हालत देख सकते हैं, माँ बेटा दोनों इस स्थिति में है कि माँ की तबीयत इतनी अस्वस्थ है कि इनको कुछ भी हो जाए तो कोई गारंटी नहीं है। ये देखिए, बड़ा संवेदनशील मामला है, एक गरीब आदमी की जमीन हड़प लिया गया है। आपका नाम बताइए। अंतरा बोस। पति का नाम आपके? विमल चंद्र स्वामी। ये प्रॉपर्टी किसकी है और कौन खरीद के रखा है? मेरी नाम का है। आपके नाम पे ऋण पुस्तिका रजिस्ट्री है इसकी? तो दूसरों ने कब्जा कैसे करके रखा है? क्या नाम है इनका जो कब्जा करके रखे? इनका नाम है दिवाकर जी। ये कहाँ के रहने वाले? यूपी आगरा से आकर और इनकी जमीन पे कब्जा किया है। ये 40 सालों से लगातार यहाँ पे रह रहे हैं। पहाड़ की चट्टान फिसलकर घर में घुसी खाट पर लेटे युवक हुआ घायल, जिला अस्पताल में भर्ती। डायल 100 की मदद से लाया गया जिला अस्पताल। मामला गढ़ी मलहरा थाना क्षेत्र के ग्राम कलानी का है। सीहोर जिले में विगत 48 घंटे से भी ज्यादा समय से हो रही लगातार बारिश के कारण कुलांस नदी उफान पर एवं सीहोर जिले की ढाबला शाखा में घुटने तक भरा पानी। कर्ज फाउंडेशन द्वारा क्लीन ग्वालियर ग्रीन ग्वालियर अभियान के तहत कोटेश्वर महादेव मंदिर में 551 निःशुल्क पौधे का किया गया वितरण, जिसमें तुलसी बेलपत्र नीम पीपल और फूलों के पौधे वितरित किए गए। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष नम्रता सक्सेना एवं अन्य स्थानीय नागरिक रहे उपस्थित। ग्वालियर रेंज अजाक पुलिस द्वारा आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला का हुआ आयोजन, जिसमें एडीजी ग्वालियर ने कहा, महिलाओं बच्चों एवं कमजोर वर्गों के प्रति हमको और अधिक संवेदनशीलता बरतने की है आवश्यकता। इस सेमिनार में ग्वालियर रेंज के 50 से अधिक पुलिस अधिकारी हुए सम्मिलित। धार जिले के बोरी गांव के पास मिले तेंदुए के 4 शावक। जानकारी के अनुसार ग्रामीण मेहर सिंह अपने खेत पर काम कर रहा था। अचानक तेज बारिश होने के कारण वह पानी से बचने के लिए पास की पहाड़ी की गुफा में चला गया। अंदर देखा तो तेंदुए के 4 शावक थे, जिन्हें देख वो इसकी जानकारी अन्य ग्रामीणों को देने भीगते हुए गाँव पहुँचा। में युवती की गोली मारकर हत्या, कार में डेड बॉडी के पास मिली न्यूज चैनल की माइक आईडी, पुलिस जांच में जुटी।